व्हाट अपनी गाइस, माय नेम इज शेखर। अभी हम खेल रहे हैं वो फार्मिंग सिमुलेटर 20 और ये देखो गाड़ी चलते हैं और सेम अचीवमेंट बाइंग अ न्यू फील्ड। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ये वाली फील्ड खरीदी थी, ये वाली जो कि ये जो वो बेहेल हे बेहेल वाली बेचने वाली जगह उसके पड़ोस में जो फील्ड है वो खरीदी है। और गाइस इस बार हमने वीट नहीं उगाई है क्योंकि पिछले 3 एपिसोड से हम लोग वीट ही उगा के ज़मीन खरीद ले। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने मतलब आपको भी दिखाया था कि अगर प्राइसेस में जाए तो देखो वीट कितने की मिल रही है, मतलब बेचने को कितने की बिक रही है। सबसे हाईएस्ट रेट देखते हैं $733, ठीक है। अब देखते हैं सोयाबीन जो कि ये है, ये देखो इसका हाईएस्ट प्राइस कितना जा रहा है, 1698। और शायद यही सबसे हाईएस्ट है, बाकी ये है पता नहीं रुई है शायद ये, बाकी छोड़ते हैं। लेकिन अभी हम रुई तो उगा नहीं सकते, यही उगा सकते हैं। तो अभी मैंने इसको उगा दिया है, 4-5 खेत हैं मेरे, 5 फील्ड हैं, 5ों में यही उगाया है। तो भाई बहुत पैसे आएंगे इस बार बहुत, और सारे उग भी चुके हैं, दिखा दे दूँ। देखो यहाँ पे लिखा है रेडी टू हार्वेस्ट, तो जो सबसे डार्क ऑरेंज है वो बिल्कुल तैयार हैं हार्वेस्टिंग को काटने के लिए। तो देखो सारी फील्ड हर वक्त लगभग सारी फील्ड तैयार हैं इनको काटने के लिए। तो अभी हम अपनी मशीनें लाते हैं, मशीनें इस बार 4 लगेंगी भैया, 4 हैं। ट्रैक्टर क्यों खड़ा है भाई, मैं भी हूँ टकलाया, तेरा बाप टकलिया। तो चलते हैं और रुको रुको भाई, अरे भाई भाई भाई, ट्रक संभलता भी नहीं, इतना बड़ा हार्वेस्टर मशीन है, संभलती भी नहीं है, संभलती। थोड़ा पीछे इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने में ही बहुत टाइम लेता है ये, इसलिए पहले स्टार्ट कर दिया करो फिर ऐसे ऐसे असेंबल्ड किया करो। हो गए, सिकड़ जाती है सोयाबीन, देख लो मैप में हार्वेस्टर। हाँ सोयाबीन इससे कट जाती है, तो ठीक है चलो ये ऑटोमेटिक कर देते हैं। ओ ये क्या हो रहा है, इसे हम उठाएंगे कैसे, ये जो पीछे फेंक रहा है इसको उठाते कैसे हैं। पीछे कुछ गिर रहा है वाला, कुछ तो गिर नहीं रहा है कि यही दाने जैसे थोड़े दिख रहे हैं, उनको उठाते कैसे हैं भाई मुझे नहीं पता, डोंट नो। तो छोड़ो इसको, हार्वेस्टर खरीदते हैं 1-2, इसको भी 2 खरीद लेते हैं, 1-2 पीछे। ओ जगह नहीं बची भाई यहाँ पे, इसलिए एक वो नहीं आया हार्वेस्टर का ये वाला पार्ट सामने वाला। चलो ये लेकिन भाई ये तो दिक्कत है कि उसको वो जो फैला रहा है पीछे से उसको उठाते हैं, मतलब उसका काम क्या है, वो खाली फैला देता है, उससे कुछ होता नहीं है भाई, या फिर से सोयाबीन निकल आती है। अरे भाई मशीन को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, गेट जितना बड़ा है उसके उतनी बड़ी ही बिल्कुल सामने से मशीन है, तो को अगर बीच से निकाला तो इधर उधर से 2 इंच की ऐसा लगता जगह बची है। ओ इधर ट्रक खड़ा है बड़ा वाला, उस स्लरी टैंकर का मुझे नहीं पता चला अभी क्या मामला पानी होता है। अरे खंबे से यार मैं बहुत दुखी हूँ इस गेम में, चलो ज़्यादा पक 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 पकैक नहीं करते हैं और जल्दी से अपना काम करते हैं। और इधर मशीन खड़ी है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है।
मशीन को ऑन करते हैं और थोड़ा और पीछे लेना है। यार इसको उठाया जाता है या कुछ किया जाता है? चलो दो मशीनें तो चल दी, तीसरी मशीन भी होगी होगी होगी। हाँ है, ये मशीन इधर खड़ी है। सुबह हो रही है क्या? जो लाइट नहीं जल रही मशीन में, जल रही है, दिखता नहीं है दूर से। ऑन करो मशीन। अरे ऑन हो गई वो, मतलब खुली थी मशीन। कैसे बड़ी बड़ी मशीनें कंट्रोल करना भाई बहुत मुश्किल है। बस और कोई मशीन आवाज़ नहीं आ रही होगी। एक वो चाहिए, ये हमारे पास चार मशीनें ऐसी हैं भाई। इसको ट्रक से खींच भी सकते हैं, ये बढ़िया बात है। लेकिन अब ट्रक बार बार कौन लाए, ट्रक मतलब ट्रैक्टर। तो ले जाना भी तो मुश्किल है, ट्रक ही बढ़िया होता है। क्या शेप है, साइड हो जा भाई। बैनर लगाए तो इससे और दिक्कत हो गई। निकल जाओ भाई, अभी ही सबको आना था, इसे नहीं आते हो। निकलो ना, बड़ी गाड़ी है। और कोई उधर से? तो उधर से आए कोई बात नहीं, लेकिन उधर से। अबे ये गाड़ी स्टक हो गई है, खड़ी रहेगी वहाँ। अरे मेरा ट्रक भी स्टक हो गया, मतलब हार्वेस्टर। चला चला। अरे यार अब तुमको क्यों आना था? फिर बैक करना पड़ेगा, फिर स्टक होगा, फिर आ जाएंगी गाड़ी। और बहुत पीना बजा ना आगे। ये मशीन इतनी बड़ी है, ऑन करके कुचल के चला जाऊँगा। ये मशीन सच में बहुत बड़ी है, गाड़ियाँ इसके सामने छोटी चुन्नी मुन्नी लगती हैं। चुन्नी मुन्नी छोट। अरे यार पिछली वीडियो पे बहुत कम लाइक आए थे, सब्सक्राइबर तो बड़े ही नहीं थे भाई, एक भी नहीं बल्कि दो कम हो गए। नहीं क्या किया तुमने, अच्छा मैं कार्टून का नाम क्यों ले रहा हूँ? दैट्स अ जोक। नई नई मशीनें आ रही है भाई, बड़ी बड़ी बड्डे बड्डे, अरे बड्डे बड़े बड़े मशीन आ रहे हैं। तीन तीन मशीनें चल रही हैं भाई। एक दो तीन चार, हमारे पास अभी पांच मशीनें हैं शायद। शायद अरे यार तो भाई एक खेत बचा, उसको भी मैं ऐसे ही मतलब हार्वेस्टर से वो करूँगा हार्वेस्ट, और फिर माल पानी जो करना होगा इकट्ठा करूँगा। इसलिए मैं कर रहा हूँ इस वीडियो को बीच से स्किप, एंड 3 2 1 स्किप। तो अभी
हम आ गए हैं और जा रहे हैं बेचने अपने सोयाबीन। तो हमारे पूरे कितने 5 खेतों में से सिर्फ इतना सोयाबीन निकला, देख रहे हो भाई, इतना बस। ओ भाई इतने में तो अगर हम वीट उगाते ना 2 ट्रक भरे खड़े होते भाई। चलो ठीक है, जितना मिला चलेगा। तो अभी हम देखते हैं, अरे इसमें नहीं, इसमें कहाँ पर सबसे ज़्यादा महंगा सोयाबीन बिक रहा है। अरे रेट में तो भाई बहुत उतार चढ़ाव हो गया। 1473 का यहाँ बिक रहा है, तो यही चले 1473। ड्रैक्स बायोफ्लैक्स कहाँ पर है? ड्रैक्स बायोफ्लैक्स कहाँ है? इधर है भाई, इतनी दूर। चलो चलते हैं, और एंट्री पे ही ठोका पीटी हो चुकी है। आवाज़ में दिक्कत हो रही हो तो कंप्रोमाइज़ कर लेना भाई। और आज भी मेरी क्लासेस लगी हैं भाई 6 बजे की। अभी कितना बज रहा है? 4 बज गया है, 4:01। अरे इधर नहीं जाना था भाई। अरे बाप रे, इतना बड़ा ट्रक मैंने ऐसे ही मोड़ दिया। अरे ये मैं किधर से निकल जा रहा हूँ? वहाँ पर है देखो, ग्रीन मार्क दिख रहा होगा। जल्दी चलते हैं। ओ भाई हमारे पास 48,500 कुछ है सोयाबीन, 48,000 सोयाबीन है हमारे पास। तो इतने में देखते हैं, सोयाबीन के तो रेट बड़े होते हैं वीट से, तो देखते हैं कितना प्रॉफिट बन जाए कि हम लोग एक नई ज़मीन प्लॉट खरीद सके। लेकिन यहाँ ठोका पिटी हो चुकी है, खम्बो से बहुत दुखी हूँ भाई। FS 20 से 21 अगर बने ना तो भाई खम्बे हटा दियो बस। पहुँच गए हम। तो भाई कैसे बढ़ रहे हैं देख रहे हो यार, इनसे तो 40,000 का प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा लग रहा है। हो जाएगा यहाँ पे, हो चुका 1,25,000। प्लीज प्लीज, वी कांट डू इट। नहीं यार, वी कांट डू इट। 66,312 का प्रॉफिट हुआ है तो अच्छा, लेकिन इतना कुछ खास नहीं। तो अब क्या करें, हवन करेंगे ना हवन नहीं करेंगे, क्या करते हैं सोचूं क्या करें। ए ड्राइवर, मैं मतलब देखा, तो ज़मीन तो खरीद नहीं पाएंगे हम लोग, या खरीद लेंगे देखते हैं। यहाँ पे सनफ्लावर कॉर्न या वीट क्या उगा रहा है? ये ज़मीन कितने की है? 1,25,000 की। ये 1,36,000 की, जहाँ तक नहीं 1,13,000 की। ये हम खरीद सकते हैं, और ये भी 1,13,000 की है। तो हम कौन सी खरीदें? अब हम लोग दोनों खरीद सकते, मतलब एक तो कोई खरीद ही सकते हैं। मैं ये खरीदना चाहता क्योंकि ये घर के पास है, मतलब बाकी प्लॉट के पास, तो मैं ये खरीद लूँ, या ये बड़ा लग रहा है, लेकिन यही खरीद लेते हैं। लेकिन रुको, अरे अटक क्यों गया? देखते हैं एक चीज़, वाइट कलर यहाँ कॉटन उग रहा है, और ये डार्क कलर ओट। तो कॉटन ओट में महंगा कौन है? कॉटन और ओट में यही तो कॉटन है शायद। तो कॉटन तो 2648 का है, और ये ओट है जो कि चल रहा है। तो भाई कॉटन ज़्यादा महंगा है, तो हम लोग कॉटन वाली फील्ड खरीदते हैं। ठीक है कॉटन वाली, वो नंबर 8 फील्ड हमारी हुई।
मेरे समझ आ रहा है, 1 2 3 4 पांचवी ये होगी, छठी ये, सातवीं, आठवीं, 9 10 11 12 तेरहवीं फील्ड बहुत बड़ी है भी तो भाई 4 लाख रुपए की है, लेकिन इसको हार्वेस्ट करने में 2 दिन लग जाएंगे। तो चलो 2 4 दिन को छोड़ते हैं और अपनी ज़मीन देखते हैं चल के कहाँ है। वो वाली है, उगा है उस ज़मीन पर कुछ ही। अब ये मत कहना कि कॉटन के नाम पे चूना, नहीं 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 उगा है। ओ ये कॉटन वाली ज़मीन हमारी हुई। क्या करते हैं यहाँ पे, चलते हैं। अब कॉटन यहाँ पे है तो मैं सोच रहा हूँ कि जितनी भी ज़मीन है जितनी सब में एक कॉटन वाली वो लगा दूँ। देखो कॉटन दिख भी रहा है भाई, देखते हैं तैयार हो गई है कॉटन। यहाँ पे लिख रहा है रेडी टू हार्वेस्ट। ओ भाई क्या किस्मत है हमारी है। ये जो है ना ये ज़मीन अपनी कॉटन की, ये बिल्कुल तैयार है हार्वेस्ट होने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए। तो भाई बहुत बढ़िया है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि भाई देर हो रही है, अब मुझे अपलोड भी तो करना है, एडिट भी करना है, ये बिल्ड। तो वहाँ लाइट जलती है, देखना अभी रेड लाइट जली थी। तो भाई वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, गुड इवनिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे।